बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि लहसुन की बजाई के वक्त कौन सी जड़ी बूटी मार जहर इस्तेमाल की जाए ताकि जड़ी बूटियों का जो है ना बर वक्त इंसदाद हो सके। आपको पता है कि लहसुन की बजाई करके पानी लगाने के एक दिन बाद जो है ना तर बतर हालत में पेंडीमेथिलीन है या हदफ है, ऑक्सीफ्लोरोफेन या डवाल गोल्ड, एसमिटोला क्लोर, इन्हीं ये इनमें से कोई एक इस्तेमाल करते करने की सिफारिश की जाती है। जहाँ डीला ही डीला गालब हो, मेजर बीड हो, वहां पे तो डवाल गोल्ड इस्तेमाल करना मजबूरी होती है। तो डवाल गोल्ड अगरचे लहसुन के लिए काफी सख्त है, उगाव में इसकी ताखीर करती है, तो बल्कि बारीक जो लहसुन के बारीक पोथियों से उगता है ना वो उसको मार भी देती है। तो पूरी फसल का इब्तदाई टोरा जो है ना वो स्लो हो जाता है, बड़ी देर बाद जाके उगता है। बाद डवाल गोल्ड कर स्प्रे करना मतलब इंज ही समझे कि जिवें पुलिस नूं घर बुला लिया। पुलिस घर वाड़न की जरूरत कोई नहीं होनी, उस तो बचना ही बेहतर है। अगर कोई मजबूरी ज्यादा ही मजबूरी बन जाए तो फिर वाड़नी पैंदी, तो यही समझो तुसीं कि इह तो बचना ही बेहतर है। मेरा मशवरा यह है कि लसन पर जो है ना आप हदफ या ऑक्सीफ्लोरोफेन इसको ही तरजीह दें। ये पेंडीमेथिलीन के मुकाबले में और पेंडी एसीटो अब नई फार्मूलेशन ये चल रही है, इन दोनों के मुकाबले में हदफ जो है ना इसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। ज्यादा तवील दौरानिए तक ये जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है। बस ये है कि डीले के ऊपर वीक है ये। डीले को तो कोई भी नहीं इनमें से, ना पेंडी करती है ना सीटो, तो ना कोई हदफ ये डीले को नहीं एड्रेस करती। बाकी ये चीज नोट कर लें कि हदफ और पेंडी मैथिलीन दोनों लहसुन के ऊपर जो है ना ये डवाल गोल्ड के मुकाबले में तो कहीं ज्यादा सेफ है। डवाल गोल्ड जो है ना वो सेफ नहीं है, वो डैमेज करते ही करती है। बल्कि पेंडी और हदफ इन दोनों में से भी हदफ का कंट्रोल और दौरानिया जो है ना कंट्रोल का वो लॉन्ग शॉट इसका कंट्रोल है, देर तक कंट्रोल पेंडीमेथिलीन के मुकाबले में ज्यादा देर तक, और वाइड रेंज ऑफ वीड्स तमाम जड़ी बूटियों को सोया डीले के ये कंट्रोल करती है। पेंडी तो तांदला ही नहीं मारती। जो भी जहर स्प्रे करें ये नोट कर लें कि फ्लड करने के मुकाबले में स्प्रे करना जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। बत्तर में स्प्रे करना 24 घंटे बाद कर लें, 48 घंटे के अंदर अंदर आप स्प्रे कर दें तो ये ज्यादा बेहतर नतीजे पैदा करती है। इसमें ज्यादा बल्कि खुश्क पर स्प्रे करने के मुकाबले में भी पानी लगाने के बाद स्प्रे करना जो है वो बेहतर है। अगर बाद लोग तो फ्लड भी कर देते हैं, एसमिटोला क्लोर फ्लड कर, पेंडीमेथिलीन फ्लड कर देते हैं, लेकिन ये रफ तरीके हैं, इनमें नतीजे वो नहीं मिलते। इसकी गहराई इसके ऊपर मैंने काफी काम किया हुआ है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि हदफ जो है ना ये तो हाई पोस्ट इमरजेंस, ये तो प्री इमरजेंस बिजाई के वक्त इस्तेमाल ही नहीं की जाती। तो इसके ऊपर मैंने काफी काम किया हुआ है। ये एज ए प्री इमरजेंस जो है ना इसके नतज ये पोस्ट इमरजेंस के मुकाबले में ज्यादा महफूज और ज्यादा देर पा साबित होते हैं। इस वजह से लहसुन की बिजाई के वक्त आप हदफ या ऑक्सीफ्लोरोफेन ये 300 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे कर लें तो आपको सोया डीले के बाकी तमाम जड़ी बूटियों से लंबे अरसा के लिए जो है ना निजात मिली रहेगी।